हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वेलकम बैक टू ए न्यू व्लॉग। आज अक्षय तृतीया है और आप लोगों को तो पता ही होगा, सब बोलते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन अगर कुछ गोल्ड का ख़रीदा जाए तो वो बहुत शुभ माना जाता है। पर वैसे सिर्फ गोल्ड नहीं, आप चाहे तो सिल्वर ख़रीद सकते हैं, पीतल ख़रीद सकते हैं, बस स्टील एंड आयरन की चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। मैं, सौरव और उमा अभी जा रहे हैं मॉल। यही बस 2 घंटे में सारा काम निपटा के फटाफट घर चले जाएंगे, क्योंकि उसके बाद हम लोगों को पूजा भी करनी है। बस कुछ दिन पहले मैंने ये डायमंड इयररिंग लिया था, ब्रेसलेट लिया था, पर आज तो कुछ गोल्ड का ख़रीदना भी है, तो हम लोग ना ज़्यादा कुछ नहीं ख़रीदना चाहते, बस छोटा मोटा कुछ लेना है। तो इसी मॉल में बहुत सारे गोल्ड शॉप हैं, कुछ एक ले लेंगे। इतनी बार इस मॉल में आ चुकी हूँ, लेकिन आज पहली बार मैंने इस शॉप को देखा है ठीक से। इसका नाम है लोविसा, जो दमास ज्वेलरी शॉप है, बिल्कुल उसके साइड में ही है। यहाँ पे ना बहुत अच्छा आर्टिफिशियल ज्वेलरी का कलेक्शन था, पर हाँ थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा कलेक्शन था इनके पास। हम लोग एक ज्वेलरी शॉप में आए हैं, यहाँ पे मोस्टली 21 कैरेट एंड 18 कैरेट का ही सब कुछ था, तो यहीं पे कुछ एक देख के हम लोगों ने पसंद कर लिया और ले भी लिया। और फिर ये बाहर जौहरा करके एक ज्वेलरी शॉप है, उसके शो केस में ना बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस थे, तो वही सौरभ रुक के देख रहा था। और ये देखो उमा क्या कर रही है। इस बार तो मुझे अक्षय तृतीया पे कुछ लेने का मन ही नहीं था, पर सौरभ ने कहा चलो कुछ एक छोटा मोटा ले लेंगे, ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो मैंने कहा चलो फिर आ जाते हैं थोड़ा सा घूम के, लेकिन जल्दी घर भी पहुंचना है, क्योंकि जो गोल्ड की चीज़ लिया है उसको भगवान जी के सामने रख के फिर हमें पूजा भी करना है। फिर हम लोग गए मोमोसो। मोमोसो में ना बहुत अच्छे क्वालिटी का छतरी मिल जाता है, तो वो लेने गए थे। ये देखिए यहाँ के ये सॉफ्ट टॉयज़ कितने खूबसूरत है ना, जब भी हम लोग आते हैं ना यहाँ पे आके हमेशा ये टॉयज़ देखते हैं, बहुत क्यूट लगता है मुझे। और एक तो उमा को इतना पसंद आया, वो छोड़ना ही नहीं चाहती थी, देखो पकड़ के रखा है हाथ में, लेकिन हमने उसको ख़रीद के नहीं दिया, क्योंकि जो भी बच्चे मांगते हैं उनको तुरंत नहीं दे देना चाहिए, इससे उनकी आदत ख़राब होती है। मैंने अपने लिए एक चप्पल लिया है यहाँ से, बहुत क्यूट सा, क्योंकि यहाँ के हर चीज़ क्यूट होती है। और उमा को देखिए, अभी उसको बाहर के लोग देख के डर नहीं लग रहा है, उसको बस नर्स और डॉक्टर को देख के ही डर लगता है। और जो लेने आए थे वो मिला ही नहीं, छतरी था इनके पास पर ये ना क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं था, और बस गिने चुने 2-3 ऑप्शन ही थे। अभी हम लोग जा रहे हैं मैक्स। पहले जब मैं दुबई आई थी ना, तब हम लोग हमेशा कपड़े वगैरह लेना हो तो मैक्स और स्प्लैश से ही लेते थे ज़्यादातर, और फॉरएवर 21 या फिर H&M से कभी कभी। अभी तो हम लोगों ने मैक्स से ख़रीदारी करना बिल्कुल बंद ही कर दिया है, बहुत कम होता है कि हम लोग यहाँ से कुछ लेते हैं। शायद कुछ महीने पहले मैंने उमा के लिए यहाँ से घर में पहनने के लिए कुछ लिया था, पर इस बार ना मैक्स में सेल चल रहा है सुन के हम लोग आए हैं देखने की, अगर कुछ अच्छा मिले तो लेंगे। तो मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मैंने कुछ दिन पहले अपने लिए शॉपिंग किया था। सौरभ को ना जीन्स चाहिए था, और यहाँ पे आके सौरभ को 2 जीन्स पसंद भी आ गया है, तो वो लेके वो गया है ट्रायल रूम में। फिर ये जीन्स ले लेंगे तो हम लोग सीधा घर चले जाएंगे, क्योंकि अभी जाके पूजा भी करना है, तो जल्दी जल्दी सब कुछ कर रहे हैं। और ये देखो उमा, उसको ना कहीं से ये हैंगर मिल गया है, वो लेके वो खेल रही है। और मैं सोच रही थी कि मिरर वाला सेल्फी लूँगी उमा के साथ, लेकिन मैंने उमा को कितनी बार बोला कि बेबी तू थोड़ा देख ले मिरर की तरफ, पर वो देख ही नहीं रही है, वो फिटिंग रूम की तरफ देखे जा रही है, क्योंकि उधर सौरभ है ना। पापा
अभी है नेक्स्ट डे और कल घर लौटने के बाद हम लोगों ने व्लॉगिंग और कंटिन्यू नहीं किया था, पूजा करना था, फिर उमा का भी काम रहता है। और अभी देखिए सुबह सुबह मेरे तीनों बच्चे खेल कूद में एकदम व्यस्त हैं, उधर उमा भी खेल रही है और इधर बेडरूम में ये दोनों हल्ला मचा रहे हैं। पर थैंक गॉड कि उमा इस तरफ नहीं आ रही है, वो अपने खिलौनों को लेकर बिजी है और ये लोग भी यहाँ पर मस्त खेल रहे हैं। उमा आ जाती है ना तो इनको थोड़ी सी परेशानी होती है, उमा जाके इनको पकड़ने की कोशिश करती है हमेशा। इस कप में ना थोड़े से पानी के साथ मैंने डिश वॉशिंग लिक्विड मिक्स करके रखा है और ये ज्वेलरी मैं रोज़ पहनती हूँ तो ये तो उतना गंदा नहीं है, अभी नया ही है, पर फिर भी सब कुछ एक साथ में साफ़ कर रही हूँ। बस कुछ देर मैं इसको सोक करके रख दूँगी, उसके बाद जो पुराना टूथब्रश होता है ना उसे थोड़ा सा इसको घिस के पानी से धो लूँगी तो साफ़ हो जाएगा। ये चेन भी उतना गंदा नहीं है पर ये जो अंगूठी है ना इसके पीछे थोड़ा सा ऐसा डर्ट जम गया है तो इसको मैं पानी में सोख करके रखूँगी ना तो ये पूरा नरम हो जाता है और फिर ब्रश से थोड़ा सा घिसूँगी तो साफ़ हो जाएगा। और गोल्ड ज्वेलरी के साथ साथ डायमंड ज्वेलरी भी इसमें साफ़ कर सकते हैं। ये मेरा एयररिंग, इसको भी मैं साफ़ करने के लिए डाल रही हूँ इसी पानी में, बस इसको सोख करके रख दूँगी। आज ना मैं ये चिकन कुक करने वाली हूँ और ये थोड़ा साउथ इंडियन फ्लेवर वाला होगा। ये रेसिपी का कुछ एग्जैक्ट नाम नहीं है, बस मैं अपने मन से बना रही हूँ। कुकिंग शुरू करने से पहले मैंने बस ये चिकन को मैरिनेट कर लिया था, हल्दी, नमक, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये सब कुछ डाल के बस एक घंटा उसको रखा। थोड़ा सा प्याज मैंने चॉप कर लिया है, पैन को अच्छी तरीके से गर्म करके उसमें मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ऐड किया है जो कि मैंने थोड़ा सा गलत कर लिया, मुझे एक्चुअली कोकोनट ऑयल डालना था ताकि साउथ इंडियन फ्लेवर एकदम प्रॉपर आए, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं। फिर मैंने करी लीव्स ऐड किया है इसमें और इसमें मैं अभी वो प्याज ऐड कर दूंगी और इसको मैं थोड़ी देर फ्राई करूंगी जब तक कि ये प्याज थोड़ा ट्रांसलूशन ना हो जाए, उसके बाद मैं इसमें चिकन ऐड करूंगी। मेरे प्रेगनेंसी के टाइम में ना मुझे क्या हुआ था पता नहीं, मैं बिल्कुल खाना नहीं बना सकती थी। जब भी मैं किचन में आती थी ना, कुछ भी खाना बनाने की कोशिश करती थी, तुरंत मुझे उल्टी आती थी और बहुत ज़्यादा मुझे सिक फील होता था। तो मैंने अपनी प्रेगनेंसी में कुकिंग बहुत ही कम किया है, ज़्यादातर सौरव ही कुक करता था। और अगर आप में हमारे ब्लॉग्स देखते हो तो आपको पता होगा कि मेरी प्रेगनेंसी के दौरान दो बार सौरव इंडिया गया था और डॉक्टर ने मुझे एक्चुअली ट्रैवल करने से मना किया था। वैसे तो कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं था उतना मेरे प्रेगनेंसी में, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने कहा था कि यही सेफ होगा तुम्हारे लिए, तुम मत ट्रैवल करो, क्योंकि आपको पता ही होगा बस कुछ ही दिनों पहले ये कोरोना वगैरह चल रहा था और उस टाइम पे भी एकदम कोरोना नहीं था, ऐसा नहीं था, थोड़े बहुत केसेस तभी भी थे, तो इसीलिए डॉक्टर ने कहा था कि ट्रैवल मत करो। उस टाइम पे हमने हमारे नेबर से बात की, हमने उनको अपना सिचुएशन बताया कि मैं कुक नहीं कर पा रही हूँ और सौरभ घर पे नहीं रहेगा तो क्या आप लोग थोड़ा सा खाना बना के मुझे दे सकते हो, तो एक ही बार पूछने पे उन लोगों ने हाँ कर दी। और पता है गाइस, वो दोनों ही वर्किंग कपल हैं लेकिन उनके बच्चे भी हैं, लेकिन फिर भी वो लोग रोज़ मेरे लिए खाना देते थे, तो उन्होंने उस टाइम पर जो किया ना मेरे लिए वो मैं कभी नहीं भूल सकती। और वो लोग साउथ इंडियन हैं तो उस टाइम पे ना मैं रोज़ वो साउथ इंडियन फूड खा रही थी और आपको पता ही होगा साउथ इंडियन लोग तो अपने खाने में करी लीव्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आज मुझे फिर से वही करी लीफ वाला फ्लेवर चाहिए था, वो खाने का बहुत मन कर रहा था तो इसीलिए मैं करी लीफ ऐड करके ये बना रही हूँ। और ये मैंने थोड़ा सा गरम मसाला कूट लिया है और ये देखिए अभी चिकन में हल्का हल्का ग्रेवी है, मैं इसमें हल्का ग्रेवी रख दूँगी, मैंने इसमें कुछ पानी ऐड नहीं किया है, बस चिकन से जो पानी रिलीज़ हुआ है वही। ये गरम मसाला ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करके ढक के बस और 2-3 मिनट पका लूँगी और ये हो जाएगा, क्योंकि चिकन ऑलरेडी डन है। मैं जब ये गरम मसाला मिक्स कर रही थी ना तभी चिकन टूट रहा था, एकदम सॉफ्ट हो चुका है ये। और आप ही लोग इस रेसिपी का कुछ नाम रख देना, कमेंट पे आके आप लिख सकते हो, क्योंकि सच में मैंने ना ये रेसिपी कहीं पे देख के या फिर कुछ एक फॉलो करके ऐसे नहीं बना रही हूँ, मुझे इसीलिए इस रेसिपी का क्या नाम रखूँ पता नहीं, बस अपना दिमाग लगा के बना लिया। अभी खाना बनाते बनाते थोड़ा बहुत आइडिया तो हो जाता है ना, तो मैं ऐसे बीच बीच में एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ।
कल हमने जो जो शॉपिंग किया था वो भी मैंने अभी तक ब्लॉग में नहीं दिखाया है, वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखा दूंगी, क्योंकि कल आने के बाद ना वो जो हमने गोल्ड की चीज़ ली है वो रख के तो पूजा करना रहता है, तो वो अभी भी भगवान जी के सामने ही है, मैंने उसको नहीं हटाया, तो वो मैं वहाँ से ले लूँ उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी। और ये देखिए चिकन रेडी हो गया है और कितना अच्छा कलर आया है इसका। सो गाइस, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड लव यू ऑल, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो करना मत भूलना।